गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम लोगों ने कल शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। आज उसी का सेकंड पार्ट है जो हम लोग करने वाले हैं। और एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, कुछ पॉइंट्स बाकी थे जो आज हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। सबसे फोर्थ नंबर है ये, अध्ययन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है जो उन अध्ययन विषयों में हुई रिसर्च के अनुसार समायोजन होता है। यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन्स की अपनी अपनी जो शब्दावली होती है, वो वोकैबुलरी अपनी अपनी होती है रिसर्च पार्ट में, जिसका जिसका किया हुआ है, पहले से जो रिसर्च किया हुआ है उनकी अपनी अपनी वोकैबुलरीज होती है और उसी के अनुसार समायोजित होता है। तो मतलब कि जिस फील्ड में रिसर्च हुआ है, मान लीजिए कि आपका हिंदी में ही रिसर्च हुआ है, हिंदी के किसी टॉपिक को लेकर रिसर्च हुआ है या किसी कवि को लेकर रिसर्च हुआ है, तो वो उसी की जो एकेडमिक डिसिप्लिनरी है जो उसी के ऊपर उसका जो उसी के अनुसार समायोजन किया जाएगा। यानी कि सबका अपना अपना जो वोकैबुलरी है वो अलग अलग होता है एकेडमिक डिसिप्लिनरी में। नेक्स्ट है, अध्ययन क्षेत्रों की विशिष्ट रिसर्च विधियाँ होती हैं। यानी कि अध्ययन क्षेत्र यानी कि डिसिप्लिनरी जितने भी क्षेत्र हैं, स्कोप है, वहाँ पे विशिष्ट रिसर्च विधियाँ होती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मेथड्स होते हैं रिसर्च के, जो उसकी रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता है, जो उसकी रिसर्च के अनुसार ही वो चेंज होता रहता है, विकसित और डेवलप भी होता रहता है। और वे उनके लिए बहुत आवश्यक है और जो कि उनके रिसर्च के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अध्ययन क्षेत्रों के यूनिवर्सिटी या कॉलेजों संबंधी शैक्षणिक विभागों और उनसे जुड़े व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में कुछ संस्थागत रूप स्वरूप होते हैं। यानी कि अध्ययन क्षेत्र की यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर संबंधित शैक्षणिक विभाग सबके अलग अलग होते हैं, आपको पता है। जैसे कि आर्ट्स के लिए अलग सा होता है विभाग, कॉमर्स के लिए अलग होता है और कॉमर्स में भी अलग अलग होते हैं, साइंस का अलग होता है। तो साइंस में भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे डिसिप्लिनरी, बायो मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, और जब आप आर्ट्स में जाइएगा तो हिस्ट्री मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, तो ये सारे हिस्ट्री मिलेगा, सिविक्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। तो ये सारे अलग अलग डिसिप्लिनरीज, अलग अलग विभाग और इनसे जुड़े व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में कुछ संस्थागत स्वरूप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वास्तव में संस्थानीकरण से ही अध्ययन विषय एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक विशेष शिक्षण तैयारी के द्वारा स्थानांतरण होते हैं। यानी कि इसी वजह से ही ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र होता है। एक तरह से जब रिसर्च होता है तो डेफिनेटली आपके पास वो नॉलेज आ जाएगा, तो वो आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद उस वो जब तक आएगा तब तक उसमें कुछ और चेंजेस हो जाएंगे। तो जब कुछ और चेंजेस हो जाएंगे तो वो क्या होगा कि वो डेवलप होते रहेगा, और ज़्यादा डेवलप होते रहेगा, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो ट्रांसफ़र होते रहेगा। इस प्रकार एक यूनिवर्सिटी में एक नया अध्ययन विषय इसको समर्पित एक प्रोफेशनल चेयर को सृजित करके स्थापित किया जाता है। यानी कि इसी वजह से हर एक कॉलेज हो या कोई भी विभाग हो, उसमें यूनिवर्सिटी हो, उसमें क्या करते हैं, एक अलग से चेयर दिया जाता, अलग से चेयर मतलब हेड दिया जाता, अलग अलग होता है। जैसे कि आप अपने ही कॉलेज में देख लीजिएगा, हेड केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है डिपार्टमेंट है, बायो का अलग सा डिपार्टमेंट है। तो क्या एक तरह से चेयर दिया गया है कि ये अलग डिसिप्लिनरी है, तो उसको उसके ऊपर रिसर्च करने पर, उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करने पर डेवलपमेंट होता है, और अपने से क्या होता है, जो भी नॉलेज आप दे रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होते रहता है। तो आज का जो ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन,
पार्ट टू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया है। यदि नहीं आया है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।